सब्सक्राइब कीजिए फिजिक्स रैंडम चैनल को और बेल आइकन को दबाइए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैग्नेट वाले टॉपिक का हम सेकंड पार्ट करेंगे। इसमें मैग्नेट के जो फर्स्ट पार्ट था, उस वीडियो में मैंने आपको टाइप्स ऑफ मैग्नेट प्लस मैग्नेट की डेफिनेशन और जो हमारे पास नेचुरल और आर्टिफिशियल मैग्नेट होते हैं, इनके कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करे थे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले उस वीडियो को देखिएगा, उसके बाद में आप इस वीडियो पे आएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आज के इस वीडियो में हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेट पढ़ेंगे। इट मीन्स कि जो मैग्नेट है इसके क्या क्या टाइप्स होते हैं। इस वीडियो को मैंने जो इसमें नोट्स हैं उनको मैंने हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में लिखा हुआ है। अगर आपको हिंदी में ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है तो ये आपके लिए हेल्पफुल है, और अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप जो मैंने इंग्लिश में लिखा हुआ है उससे आप अपने नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। नाउ प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेट में फर्स्ट प्रॉपर्टी है, किसी भी मैग्नेट में जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है वो अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी है। अट्रैक्टिव नेचर का क्या मतलब है? कोई भी जो मैग्नेट है वो अपनी साइड आयरन बॉडीज को अट्रैक्ट करता है। मैग्नेट अट्रैक्ट्स फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स लाइक आयरन, कोबाल्ट एंड निकल। ये किसी भी मैग्नेट की अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी है। सेकेंड वन इज मैग्नेट की सेकेंड प्रॉपर्टी है रिपल्सिव प्रॉपर्टी। रिपल्सिव प्रॉपर्टी में क्या होता है? लाइक मैग्नेटिक पोल्स रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक मैग्नेटिक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। ये हमने चार्जेस में पढ़ा है कि जो लाइक चार्जेस होते हैं, लाइक प्लस प्लस है या माइनस माइनस है, तो ये चीज़ें आपस में अट्रैक्ट रिपेल करती हैं, और जो ऑपोजिट चार्जेस होते हैं लाइक प्लस माइनस, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सेम प्रॉपर्टी हमारी मैग्नेट में भी होती है, अट्रैक्टिव में और रिपल्सिव प्रॉपर्टी। अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मैग्नेट की वो है डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी में क्या होता है? अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट इन अ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। कोई भी जो मैग्नेट है अगर उसे फ्रीली सस्पेंड किया जाता है या उसे लटका दिया जाता है ऐसे ही हवा में, तो वो हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को शो करेगा। ये कुछ तीन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी मैग्नेट की। इसके बाद में यहाँ पे मैंने एग्जांपल आपको डायग्राम के थ्रू समझा रखा है कि कैसे लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, क्या पोल्स होते हैं, और जो मैग्नेट है उसमें दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल होता है एक होता है साउथ पोल, कब लाइक कब वो अट्रैक्ट करेंगे कब वो रिपेल करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट डायग्राम जो है ये देखिए, ये मैंने एक बार मैग्नेट बनाया है, इसमें हमारे पास दो पोल्स हैं, एक है नॉर्थ पोल एंड सेकेंड वन इज साउथ। ये मैंने जब इसको बीच में से ब्रेक किया तो भी मैग्नेट दो पार्ट्स में आएगा, एक नॉर्थ पोल साउथ पोल, सेकेंड वन इज नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। इसके बाद में जो सेकंड डायग्राम है इसमें देखिए, एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है, सेम नॉर्थ एंड साउथ, तो ये दोनों जो हैं ऑपोजिट पोल्स हैं, तो यहाँ पे अट्रैक्शन हो रहा है। नेक्स्ट जो है इसमें हमारे पास नॉर्थ साउथ, साउथ नॉर्थ, ये जो है साउथ साउथ दोनों सिमिलर पोल्स हैं, तो इनमें रिपल्शन हो रहा है, ये मैग्नेट एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। तो ये डायग्राम के थ्रू कुछ एग्जाम्पल थे मैग्नेट के पोल्स के। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्यूरी टेम्परेचर। क्यूरी टेम्परेचर का क्या मतलब होता है? क्यूरी टेम्परेचर और क्यूरी पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच सर्टेन मटेरियल लूज देयर परमानेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। इट मीन्स कि एक ऐसा टेम्परेचर है या ऐसा पॉइंट है जिसमें कोई भी जो मटेरियल है वो अपना परमानेंट मैग्नेटिक बिहेवियर को छोड़ देता है, और उसके बाद में इसको रिप्लेस किया जाता है बाय द इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म। यहाँ पे कुछ चीज़ों के मैंने आपको क्यूरी टेम्परेचर दे रखे हैं, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। अगर आपके पास प्योर आयरन है उसका क्यूरी टेम्परेचर कितना है, अगर निकल है, कोबाल्ट है, तो उनका क्यूरी टेम्परेचर क्या है। ये क्यूरी टेम्परेचर आपको लर्न होने चाहिए, कई बार एग्जाम में इस पर बेस्ड क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है क्यूरी लॉ। क्यूरी लॉ क्या कहता है कि किसी भी मटेरियल का या ऑब्जेक्ट की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो उसी बॉडी या ऑब्जेक्ट के हाई टेम्परेचर या मैक्सिमम टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है।
अब मैग्नेट की प्रॉपर्टीज प्लस क्यूरी टेम्परेचर के बाद में जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, ये हमारे पास तीन तरीके के मटेरियल्स हैं। एक है पैरामैग्नेटिक मटेरियल, सेकंड वन इज़ डायामैग्नेटिक एंड थर्ड वन इज़ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। इन तीनों टाइप के मटेरियल्स में मैंने डेफिनेशन प्लस एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। अगर आप इसको नोट्स की फॉर्म में चाहते हैं तो आप वीडियो को पॉज करके इन्हें अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें आप में के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप देखेंगे तो इससे बेस्ड क्वेश्चन आते ही आते हैं। फिजिक्स में ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। नाउ फर्स्ट टाइप है जो मटेरियल का, वो है पैरामैग्नेटिक मटेरियल। पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स आर दोज मटेरियल्स आर स्लाइटली अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेटिक फील्ड एंड द मटेरियल डज नॉट रिटेन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज व्हेन द एक्सटर्नल फील्ड इज रिमूव्ड। इसका क्या मतलब है? कोई भी ऐसा मटेरियल या ऑब्जेक्ट जो मैग्नेटिक फील्ड से बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है, और किसी भी मटेरियल में जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को रिटेन नहीं किया जा सकता, अगर उसको एक्सटर्नल फील्ड से हटा दिया जाता है, उन्हें पैरामैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। हिंदी में देख लीजिए एक बार इसकी डेफिनेशन। वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र से आकर्षित होते हैं, अर्थात जिन पदार्थों पर बल कम चुंबकीय क्षेत्र से अधिक चुंबकीय क्षेत्र की ओर लगता है, उन्हें अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। इट मीन्स लोअर रीजन से हाई रीजन पे जब आता है तो इसे हम पैरामैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। इसमें हमारे पास एग्जांपल है एल्यूमिनियम, क्रोमियम एंड प्लैटिनम। इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है हमारा डायमैग्नेटिक मटेरियल। दीज सब्सटेंसेस आर रिपेल्ड बाय द मैग्नेट। ये सब्सटेंसेस रिपेल, इनके बीच में रिपल्शन होता है बाय द मैग्नेट। इसका एग्जाम्पल है बिस्मथ एंड एंटीमनी। डायमैग्नेटिक मटेरियल्स को हिंदी में प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। इसका मतलब ये है कि इनमें प्रतिकर्षण होता है। बिस्मथ, नाइट्रोजन, ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के कुछ एग्जांपल हैं। डायमैग्नेटिक के बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कौन से सब्सटेंसेस होते हैं? डेफिनेशन देखिए। दीज आर द स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट आर मेनली, ये जो वो सब्सटेंसेस हैं जिन्हों जो मैग्नेट से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं। एग्जाम्पल से ही आपको समझ में आ रहा होगा। एग्जाम्पल है आयरन, कोबाल्ट और निकल। ये मैग्नेट इन्हें अपनी साइड बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर लेता है। ये मैग्नेट्स की सेकेंड पार्ट की वीडियो है। इसके बाद में मैग्नेट्स का थर्ड पार्ट आएगा। प्लीज़ अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो वो देखिए, उसके बाद में आप ये देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करने में कंजूसी मत करिए। प्लीज़ लाइक करिए मेरी वीडियोस को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।